गीता में अर्जुन को स्वयं भगवान कह रहे हैं कि उस परमेश्वर की शरण में जा, उसके लिए उन संतों के पास जा जो तत्वदर्शी हो। इसी प्रकार हजरत मोहम्मद को उनका अल्लाह कह रहा है कि कोई और पूर्ण परमात्मा है, उसको पाने के लिए उन तत्वदर्शी संत की तलाश कर। वो प्रभु कौन है ये जानने के लिए कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर देव जी की असीम कृपा से ये 3 दिवसीय समागम सत्संग समारोह आज संपन्न हो रहा है। परमेश्वर जी की असीम कृपा से ही ये शुभ समागम हुआ करते हैं और ऐसे समागमों में जो पुण्यात्मा पहुंच पाती हैं वो परमात्मा की असीम कृपा की पात्र होते हैं। उनमें से आप हो जो इस सत्संग को सुन रहे हो। मात पिता मिल जावेंगे, मात पिता मिल जावेंगे 84 सतगुरु सेवा और ये बंदगी भाई फेर मिलन की ना। माता पिता तो जहां भी हमारा जन्म होगा वहां अवश्य मिलेंगे, पशु बनेंगे वहां माता पिता, पक्षी बनेंगे वहां माता पिता, लेकिन सतगुरु की सेवा यानी सतगुरु सेवा, सतगुरु के आधार से बताई गई पूजाएं और सतगुरु की शरण में आकर के क्रिया करना, सत्साधना करना और ये सत भक्ति, ये फेर मिलन की ना। मानुष जन्म दुर्लभ है, मिलन बारंबार जैसे तरवर से पत्ता टूट गिरे वो भौर न लगता डारे। मानुष जन्म पाके नहीं रटे हरि नाम जैसे कुआ जल बिना फेरे बनवाया क्या काम। 3 लोक का राज जे जीव को कोई दे 1,00,000 बधाई के करे जे नहीं नाम से ने। परमात्मा परमेश्वर स्वयं आकर के कबीर जी हमें यथार्थ ज्ञान से परिचित कराते हैं। उसी परमेश्वर के द्वारा दी गई वो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी, परमात्मा हमें क्या समझाना चाहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार और तरवर से पत्ता टूट गया बहर नहीं लगता डार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम जैसे कुआ जल बिना फिर बनवाया क्या काम। जिस कुएं में जल ना हो और उसको कितना ही सुंदर बना रखा हो, यूजलेस है, उसका नाम कुआ भले ही है पर गुण कुएं के नहीं। इसी प्रकार जो सतभक्ति प्राणी नहीं करते हैं वो भले ही मनुष्य जीवन में है और मानव भी कहलाते हैं, वो ऐसे हैं जैसे जल रहित कूप है। और मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार जैसे तरवर से पत्ता टूट जावे फिर नहीं लागे डार। पुण्यात्माओं ये अब आप मानव शरीर में हैं, सब सुविधाएं आप जी को प्राप्त हैं। सत भक्ति परमात्मा की स्तुति साधना ना करने से फिर कितना कष्ट होगा इस प्राणी को। परमात्मा कहते हैं ये सौदा फिरना ही संतो, यो सौदा फिरना ही लोहे जैसा ताव जात है काया देश राही,
तीन लोक और भवन चतुर्दश सब जग सौदे आई और दुगने तिगने किए चौगने किन्हो मूल गवाई। परमात्मा हमें ये समझाना चाहते हैं कि जो साधनाएं आप कर रहे हो पहले तो साधना गलत, और मनुष्य जीवन पाकर के जो भक्ति नहीं करते सत्साधना नहीं करते उनके साथ कैसी बीतेगी। ये सौदा फिर नाही संतो यो सौदा फिर नाही, ये मानुष जीवन का फिर बार बार मिलना बड़ा दुर्लभ है। मनुष्य जीवन मिल जाता है तो परम संत का मिलना अति दुर्लभ है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में गीता ज्ञान दाता है अपने विषय में बताता है कि मेरी भक्ति 16-17-18 में अपनी भक्ति यानी ब्रह्म साधना के विषय में जानकारी देते हुए कहता है कि मेरी साधना 4 प्रकार के करते हैं। एक अर्थार्थी जो धन लाभ ही चाहते हैं और वेदों अनुसार ही वो श्लोकों मंत्रों से ही अनुष्ठान किया करते हैं। दूसरे आर्थ संकट निवारण के लिए जो अनुष्ठान किए जाते हैं वो वेदों के मंत्रों से ही अनुष्ठान किया करते हैं और कोई किसी भी शास्त्र के लेख का सहयोग नहीं लेते। और तीसरे वो होते जिज्ञासु जो परमात्मा के पाने के उद्देश्य से घर भी त्याग कर निकले या वैसे प्रभु की तलाश में इधर उधर संतों के पास कई घर में भी रहते रहे और उन्होंने जैसे भी संत मिले उनसे ज्ञान ग्रहण किया और स्वयं फिर उस खचड़े ज्ञान के वक्ता बन गए। ये तीनों व्यर्थ बताए। और चौथा बताया ज्ञानी, कि चौथा जो है वो ज्ञानी भक्त है। ज्ञानी कैसा होता है कि उसको ये पता लग जाता है कि अभी मनुष्य जीवन केवल परमात्मा प्राप्ति आत्म कल्याण करवाने के लिए जन्म और मृत्यु के इस महान कष्ट से छूटने के लिए मोक्ष पाने के लिए मिलता है। और उसको ये भी ज्ञान हो जाता है कि केवल एक ही परमात्मा है, वेदों में प्रमाण है, एक ही परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए, उस सर्वशक्तिमान की परमेश्वर की। अन्य किसी देवता की भक्ति से जीव कल्याण नहीं हो सकता। ज्ञानी को इतना भी पता चल जाता है। वेदों में यही लिखा है, गीता जी में भी यही लिखा है कि केवल एक ही परमात्मा की भक्ति से सब लाभ होता है, उसकी अनन्य मन से भक्ति की जाती है। तो उन ज्ञानी आत्माओं को यह दृढ़ निश्चय हो गया कि मनुष्य जीवन बार बार नहीं मिलेगा और अन्य देवताओं की पूजा से लाभ होगा नहीं, इसलिए एक परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। फाइनल फैसला कर लिया। अब उनको तत्वदर्शी संत मिला नहीं। तत्वदर्शी संत ना मिलने से उन्होंने स्वयं ही वेदों के निष्कर्ष निकाले। वेदों में ये बिल्कुल स्पष्ट लिखा है कि केवल एक परमात्मा है, पूर्ण ब्रह्म। उसकी पूजा उसकी साधना करने से पूर्ण मोक्ष होता है। और वेद ज्ञान दाता तथा गीता ज्ञान दाता ये ब्रह्म है जो श्री कृष्ण जी में प्रवेश करके गीता जी को बोला था। उसने अपने विषय में भी बताया गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कि ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विभारण माम अनुसमरण ये पर्याति तजन देहम स याति परमाम गतिम। ब्रह्म कहता है कि मुझ ब्रह्म का केवल एक ओम अक्षर है, उच्चारण करते हुए स्मरण करने का, और ये प्रयाति तजन देहम
जो इसकी साधना अंतिम सांस तक शरीर छोड़ने तक करता है सयाति परमाम गतिम, वो मेरे वाली यानी ब्रह्म से मिलने वाली ओम नाम से मिलने वाली राहत गति सतीथि अर्थात मुक्ति को प्राप्त होता है। यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के मंत्र नंबर 15 में कहा है कि ओम कर्तु समर, ओम कर्तु समर किल्वे समर और कर्तुम समर। ओम नाम का जाप काम करते करते श्रवण करो, विशेष कसक के साथ श्रवण करो, मनुष्य जीवन का प्रथम कर्तव्य जान के ओम नाम का श्रवण करो। और भस्मांतम शरीरम अमृतम, जब शरीर छोड़ कर जाओगे जब तुम्हारे शरीर का अंत होगा तब तुम्हें ओम से मिलने वाली राहत प्राप्त होगी, जो गति जितनी सती थी ओम से लाभ होता वो मिलेगा। इन वेदों के पढ़ने वालों के दिमाग में यह बात नहीं आई, गीता अध्याय नंबर 4 के श्लोक नंबर 32 और 34 में स्पष्ट किया है कि एक विशेष जानकारी अध्यात्म ज्ञान की सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कही गई है। सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म, सच्चिदानंद घन ब्रह्म वो उसने उनके मुखारविंद से उच्चारित वाणी है, वो कबीर वाणी है, उसमें विस्तार से कही गई है। उस तत्व ज्ञान को तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझ, उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रतापूर्वक प्रसन्न करने से वो तत्वदर्शी संत तुझे उस परमात्म तत्व का ज्ञान कराएंगे। कौन से का? जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में विस्तार से कहा गया है। तो पुण्यात्माओं इससे सिद्ध हो गया कि गीता ज्ञानदाता जितना नॉलेज रखता था, आध्यात्मिक ज्ञान रखता था, उसने गीता जी में प्रमाण कर दिया, ओम नाम बताया अपनी साधना का, और उससे ऊपर एक परम अक्षर ब्रह्म है जो सबका मालिक है। गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 1 का उत्तर श्लोक नंबर 3 में दिया है। 8वें अध्याय के प्रथम मंत्र में अर्जुन ने पूछा कि जो आपने 7वें अध्याय के 29वें श्लोक में जिस तत्ब्रह्म का जिक्र किया है कि उस तत्ब्रह्म को जानने के पश्चात और सारे अध्यात्म ज्ञान से परिचित होने के उपरांत, सभी कर्मों से परिचित हो जाने के उपरांत ये प्राणी केवल जरा और मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है, यहाँ की किसी वस्तु की डिमांड नहीं रखता। तो किम तत्ब्रह्म, 8वें अध्याय के प्रथम श्लोक में पूछा अर्जुन ने गीता ज्ञानदाता से, वो किम तत्ब्रह्म, वो तत्ब्रह्म कौन है? वो परमात्मा, तत्ब्रह्म माने वो भगवान, वह परमेश्वर। गीता ज्ञानदाता ने 8वें अध्याय के 3रे श्लोक में कहा कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। इससे सिद्ध है कि वो परम अक्षर ब्रह्म गीता ज्ञानदाता से कोई अन्य और सुपीरियर है, उससे शक्तिमान है। 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा, यानी पूर्ण मोक्ष तुझे हो जाएगा, और मेरी शरण में रहेगा, ओम नाम का जाप जपेगा। 4थे अध्याय के 5वें श्लोक में कहा कि अर्जुन तेरे और मेरे बहुत जन्म हो चुके, तू नहीं जानता मैं जानता हूं। और 9वें श्लोक में 4थे अध्याय के में कहा है कि अर्जुन मेरे जन्म और कर्म अलौकिक है। तो ऐसे जो जिन्होंने गीता जी को पढ़ा उनका यहां दिमाग नहीं गया, उनके माइंड ने इतना काम नहीं किया कि गीता जी में जो ज्ञान है वो ब्रह्म ने अपना समाधान भी बताया है, ओम नाम का जाप विधि भक्ति करने की।
तो उससे तो केवल जन्म मृत्यु ही बनी रहेगी, पूर्ण मोक्ष नहीं होगा। 15वें अध्याय के 4थे श्लोक में कहा है कि तत्व ज्ञान की प्राप्ति के पश्चात परमेश्वर के उस परम पद की खोज करनी चाहिए जहां जाने के बाद ये साधक फिर लौटकर संसार में कभी नहीं आते, अर्थात उनका पूर्ण मोक्ष हो जाता है। और गीता ज्ञानदाता कहता है जिस परमेश्वर से सारे संसार रूपी वृक्ष की प्रवृत्ति विस्तार को प्राप्त हुई, अर्थात जिसने पूरे ब्रह्मांडों की रचना की है। तो इससे भी सिद्ध हो गया कि ये संसार के रचने वाला भी गीता ज्ञानदाता से कोई और है और वही पूजा के योग्य है, वही पूर्ण मोक्षदायक है। उसका मंत्र का संकेत किया है 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्मण त्रिविद समर्थ। उस सचिदानंद घन ब्रह्म के पाने का, उसकी प्राप्ति का ओम तत्सत यानी पूर्ण परमात्मा सतपुरुष की भक्ति करने का यो तीन मंत्र के जाप का निर्देश कहा है। इसकी तीन प्रकार से ही स्मरण होता है, ओम और तत्। तत् ये सांकेतिक है, ओम सीधा है, डायरेक्ट है, ये क्लियर है। ओम और तत् मिलके ये दो मंत्र का जाप सतनाम कहलाता है। तत् वो सांकेतिक है, गुप्त ये दास बताएगा। तो ऐसे ओम और तत् सतनाम के बाद फिर आप जी को सारनाम दिया जाएगा। इन तीनों मंत्रों को और तीन ही विधि से जाप करना होता है। इसलिए गीता के अध्याय नंबर 17 के श्लोक नंबर 23 में कहा कि ओम तत् सत इति निर्देश है ब्रह्मण है त्रिविद है समर्थ है। सचिदानंद घन ब्रह्म का एक ओम तत्सत ये तीन मंत्र का जाप है और इसी का निर्देश है, नथिंग एल्स, और कुछ नहीं। और इसकी त्रिविध है माने तीन प्रकार से इसका स्मृत माने सिमरण करने को कहा है। वो कौन कहेगा, कौन बताएगा? ऑप्शन छोड़ दिया कि वो तो तत्वदर्शी संत बताएंगे, मैं नहीं जानता। कौन? गीता ज्ञानदाता। उसने तो अपनी विधि बता दी सिमरण की, ओम इति एकाक्षरम ब्रह्म विवरण माम अनुसमरण 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में, ये प्रयाति तजन देहम सयाति परमाम गतिम। 8वें अध्याय के 5, 6, 7, 8, 9, 10 इनमें 5 और 7 में तो गीता ज्ञानदाता कहता अपने विषय में कि मेरी भक्ति करनी है तो मुझे प्राप्त होगा, युद्ध भी कर और साधना भी कर। और सचिदानंद घन ब्रह्म की पूजा करनी है तो तत्वदर्शी संतों को ढूंढ ले, उस परम अक्षर ब्रह्म की साधना करनी होती है तो उनसे ढूंढो और वो तीन मंत्र का जाप देते हैं और उसकी भक्ति करने वाला उसको प्राप्त होता है, मेरी साधना करने वाला मुझे प्राप्त होता है, मेरे पास ही रह जाता है। पुण्यात्माओं, इसी प्रकार इन वेदों के पढ़ने वालों को, इन्होंने भी नहीं पढ़ा कि यजुर्वेद अध्याय नंबर 40 के और श्लोक नंबर 10 से लेकर 13 तक स्पष्ट किया है कि कोई तो परमात्मा के विषय में जन्म लेने वाला कहता है यानी साकार कहता है और कोई जन्म ना लेने वाला कहता है, निराकार बताता है। परमात्मा की यथार्थ स्थिति को वो धीरा नाम यानी तत्वदर्शी संत बताएंगे, उनसे पूछो। इससे सिद्ध है कि वेदों का ज्ञान इनकम्प्लीट है और वेदों में पूर्ण परमात्मा की भक्ति की विधि कंप्लीट नहीं है, केवल ब्रह्म तक की साधना ओम नाम जाप है। इसी कारण से इन ऋषि महर्षियों ने स्वयं ही अपना सारांश निकाल लिया कि ओम नाम का जाप करना चाहिए और देवताओं की भक्ति नहीं करनी चाहिए। ये ओम नाम का जाप पूर्ण परमात्मा का मान लिया, जबकि ये ब्रह्म का है। इस आधार से उन्होंने ये साधनाएं की, लेकिन काल के जाल में ही ये रह गई। अप्रसंग चल रहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, ये मिले न बारंबार,
जैसे तरवर से पत्ता टूट जा वो फिर नहीं लगता डार। अपने आत्मा परमेश्वर स्वयं आकर के हमें ज्ञान देते हैं कि तत्वदर्शी संत के अभाव से जो साधनाएं भी की जाती हैं वो भी व्यर्थ है, और जो साधना मनुष्य जीवन पाकर भक्ति करता ही नहीं वो भी व्यर्थ है। परमात्मा ने हमें मनुष्य जीवन इसीलिए दिया है कि हम भक्ति करें, और तत्वदर्शी संत का मिलना भी बहुत दुर्लभ है। गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 17 में कहा है कि ज्ञानी जो है ये मुझे अच्छे लगते हैं और इनको मैं पसंद हूं, क्योंकि ज्ञानी ने यह समझ लिया है कि और देवता पूजने नहीं, ब्रह्म की पूजा करना ही श्रेयकर है, उनकी अपनी सोच है। और उधर से ये काल ज्योति निरंजन ब्रह्म उनको पसंद करता है, क्योंकि गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 12 से लेकर 15 तक बताया है कि इन तीनों गुणों रजगुण ब्रह्मा सतगुण विष्णु तमगुण शिव जी तक की जो पूजाएं करते हैं वो अपना जीवन व्यर्थ कर रहे हैं, वो मेरी भक्ति भी नहीं करते। अब इन चार प्रकार के साधकों के बारे में बताया कि ये मेरे उपासक तो हैं लेकिन इनमें से 3 रिजेक्टेड हैं, चौथा ज्ञानी है, ये मुझे बहुत पसंद है क्योंकि ये मेरे अतिरिक्त ये किसी की अन्य देव की पूजा नहीं करता। तो इसलिए 7वें अध्याय के 17वें श्लोक में कहा ज्ञानी मुझे अच्छे लगते हैं और ज्ञानी को मैं। अब 7वें अध्याय के 18वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि मेरी भक्ति भी ये ज्ञानी आत्मा करती है, ये मेरे वाली साधना में व्यस्त संलग्न ये अच्छी आत्माएं, ये ज्ञानी आत्मा है तो नेक उद्धार आत्मा है, लेकिन ये मेरे वाली अनुतमाम गति में ही स्थित है। अनुतम माने अश्रेष्ठ घटिया साधना। अपुण्य आत्माओं इस श्लोक से 7वें अध्याय के 18वें श्लोक से गीता जी के जो है ना यथार्थता का ज्ञान होता है कि ये पवित्र सदग्रंथ हमें क्या ज्ञान देना चाहता है। इसमें गीता ज्ञानदाता अपनी साधना को घटिया बताता है, अश्रेष्ठ बताता है, अनुतम बताता है, लेकिन अनुवादकर्ताओं की बुद्धि ने काम किया नहीं, उन्होंने श्री कृष्ण जी को सुप्रीम पावर मान के और ये सोच लिया कि परमात्मा अपने को अपनी साधना को अनुतम नहीं कह सकता, इसलिए यहां बुद्धि स्लिप कर गई उनकी, अनुतम का अर्थ सर्वश्रेष्ठ लिख दिया, अति उत्तम कर दिया। अपने आत्माओं यहां बिजली गिरी हुई है, ये संस्कृत भाषा को केवल एक वर्ग ही जानता था जिसको ब्राह्मण कहा करते थे, और उन ब्राह्मण वर्ग से सुनकर ज्ञान हमने ये सोचा कि इन्होंने संस्कृत भाषा पढ़ी है, ये गीता वेदों और पुराणों को ठीक समझकर हमें बता रहे हैं। तो हमारे पूर्वजों ने और हमने उन अज्ञानियों द्वारा दिए गए निष्कर्ष को फाइनल मान लिया, सत्य मान लिया, और आज वही सदग्रंथ हमें क्या बता रहे हैं, आज हम शिक्षित हैं, हम खुद पढ़ रहे हैं, आंखों से रोना आता है कि नालायका ने के करायू से मानव समाज के साथ कैसा जुल्म कर दिया सब, क्योंकि गलत साधना। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में लिखा है कि शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो कोई सुख होता है, ना उनकी गति होती है, न उनको कोई सिद्धि प्राप्त होती है, अर्थात यूजलेस। और यही कारण रहा कि हम सभी हमारे पूर्वज प्रेत बन गए, भूत बन गए, फिर वही नकली संत गुरु ब्राह्मण फिर हमें मूर्ख बनाए रखे कि इसके पिंड भरवा दो, इसकी 17वीं कर दो, 13वीं कर दो,
इसका महीना करो, ये पहले तो ऐसा खड़ा कर रखा था, आए महीने करवा करते फंड और फिर छह माही फिर बारह बरसो दियो है, उसके बाद फिर कनागत शुरू हो जाते, यानी उनने अपना जुगाड़ पूरा जोड़ रखा था। पहले तो साधना गलत बताई, उन्हें पता नहीं था उस जिस साधना के करने से वो प्रेत बन गए, और फिर पीछे पड़े रहे इसके श्राद्ध निकालो पिंड भरवा दो ऐसा कर दो। यही कारण रहा कि इनको ज्ञान नहीं था, इसलिए इन्होंने जहाँ इनकी बात समझ में नहीं आई अर्थों के अनर्थ कर दिए। देखिएगा गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 को, ये है श्रीमद् भगवत गीता, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है और जय दयाल गोविंद का ये इसके अनुवादक है। अध्याय नंबर 7 का श्लोक नंबर 18 में अनुत्तम का अर्थ इन्होंने अति उत्तम कर रखा है। अध्याय नंबर 7 और श्लोक नंबर 18, इसमें लिखा है कि उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तु आत्मा एव मे मतम, मेरे मत के अनुसार मेरे विचार में, गीता ज्ञानदाता कहता है ये सर्वे माने सारे, एते माने ये, ज्ञानी माने ज्ञानी, आत्मा है तो उदारा, ये नेक तो हैं क्योंकि परमात्मा के लिए समर्पित हैं। आस्थित सही युक्त आत्मा, आस्थित सही युक्त आत्मा, भगवान में लीन वो आत्माएं आस्थित हैं, किस में आश्रित हैं, माम एव अनुतमाम गतिम, मेरे वाली ही अनुतम गति में वो आस्थित है आश्रित है। अनुवाद इनका देखिए, ये सभी उदार हैं परंतु ज्ञानी तो साक्षात मेरा स्वरूप ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह गत बुद्धि वाला ज्ञानी आत्मा, यानी वह युक्त आत्मा, ये युक्त आत्मा है परमात्मा में लीन लगा हुआ युक्त, अति उत्तम अनुतम का अर्थ कर दिया, अनुतमाम ये लिखना था कति घटिया ते घटिया, अति उत्तम कर दिया अनुतम तेरा के देवी, अनुतम का अर्थ कर दिया अति उत्तम हो सकता है, नहीं, गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है, तो यहां बिजली गिर गया। ये लिखा स्पष्ट कि सर्व उदारा सर्वे एव एते ज्ञानी तू आत्मा, ये सर्वे माने ये सभी ज्ञानी आत्मा तो उदार तो है, ऐसे मेरे ऐसा मेरा मत है, परंतु ये नेक तो है, उदार माने नेक अच्छी आत्मा है, परंतु आस्थित सही युक्त आत्मा माम एवं अनुतमाम गतिम, वो मेरे वाली ही गति, अनुतम माने घटिया गति यानी स्थिति, मुझसे मिलने वाले लाभ मोक्ष अनुतम मोक्ष पर, यानी अश्रेष्ठ घटिया मोक्ष पर ही आश्रित हैं आस्थित हैं। अपने आत्माओं ऐसे ही इन्होंने अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 24 में भी काम बिगाड़ रखा है। 7:24 इसमें ये अनुतम शब्द है अनुतमम, इसका भी इन्होंने अनुतम का अर्थ कर दिया अति उत्तम, अनुतम अनुतमम अनुतम, यहां बात बिगाड़ रखी इन्होंने। अपनात्मो गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 18 में तो स्पष्ट कर दिया कि मेरे वाली ही ये अनुतम गति में आश्रित है, और फिर 19 में कहा कि बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम परपतते, बहुनाम जन्मानाम अंते
ज्ञानवान, ये ज्ञानी आत्मा बहुत बहुत जन्मों के अंत के कोई जन्म में, एकाध जन्म में ये ज्ञानी आत्मा, यानी ये अच्छी आत्मा, ज्ञानी आत्मा चारों में से जो ज्ञानी है, ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते हैं, मुझे भजते हैं। बड़ी मुश्किल तो कोई कहता नहीं था, ये अन्य उपासनाओं में लीन रहते हैं, जैसे अन्य देवताओं की पूजाओं में लगे रहते हैं। और फिर क्या बताते हैं गीता ज्ञानदाता, क्या कह रहा है, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम पर बदते, बहुत ही जन्मों के किसी अंत के जन्म में, किसी एकाध जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी यानी ब्रह्म की साधना करते हैं, नहीं तो और उपासना में लगे रहते पूरे जीवनों में। और वासुदेव सर्वमिति, वासुदेव है सर्वमिति सहमात्मा सुदुर्लभ है। और ये बताने वाला कि नहीं, वासुदेव जो परमात्मा है, वासुदेव है वो ही सर्वम, सर्वम माने सब कुछ, वही पूर्ण रूप से अविनाशी है, वही कुल का मालिक है, वही पूजा के योग्य है और वही सबका पालन और रचने वाला है। ये बताने वाला सहमात्मा सो दुर्लभ है, वो ऐसा संत तो बड़ी मुश्किल से मिलेगा। मेरी साधना भी घटिया है, लेकिन अन्य देवताओं से ब्रह्म कहता मेरी साधना उनसे ठीक है, लेकिन मेरी साधना भी अच्छी नहीं है, क्योंकि जन्म और मृत्यु कर्म दंड इसमें समाप्त नहीं हो सकता। इसलिए यहां कहा है कि मेरी साधना भी एकाध कोई नेक आत्मा ज्ञानी आत्मा कब किसी जन्म में करते हैं, नहीं तो आन उपासना में लगे रहते हैं, जिस कारण से अपना वो जीवन व्यर्थ कर जाते हैं। और वासुदेव सर्वमिति सह आत्मा सुदुर्लभ है, ये बताने वाला कि वासुदेव यानी वो सर्वशक्तिमान। वासुदेव का क्या अर्थ होता है, देव माने प्रभु, वासु माने सब जगह व्यापक, अर्थात जिसकी सबके ऊपर सत्ता है, ओवरऑल कंट्रोलर नॉन एज वासुदेव। अपुनात्मा श्री कृष्ण जी यानी विष्णु जी के अवतार श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहा करते थे, जबकि वासुदेव तो उनके पिताजी का नाम था। और ये पुरोहित लोग वेदों से अच्छे मंत्र के जो अच्छे अर्थ होते हैं, उन नामों के आधार से अपने यजमानों के पुत्र पुत्रियों के नाम नामांकन किया करते थे। ऐसे वासुदेव नाम वेदों से लेकर के श्री कृष्ण जी के पूज्य पिताजी का रखा हुआ था, और श्री कृष्ण जी को वासुदेव कहने लग गए। या कोई बात हुई, अब अगर उन्होंने सर्वशक्तिमान के आधार से वासुदेव कहा तो वह अज्ञानी थे, और जब किसी के पिता का नाम राम दिया हो और उसके बेटे ने भी कोई राम दिया कह दो बोड़ी बूझ से, कति नालायक आदमी नू कवे क्यों ने। तो ऐसे वासुदेव का अर्थ क्या होता है, जिसकी सत्ता, जिस वो सबके सब जगह व्यापक हो, सब जगह जिसका वास हो, जिसकी सत्ता हो। श्री कृष्ण जी, श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शंकर जी, कृष्ण कहते विष्णु जी, ये एक ब्रह्मांड में एक विभागीय प्रभु हैं, एक विभाग के स्वामी हैं। रजोगुण विभाग के ब्रह्मा जी, सतोगुण विभाग के विष्णु जी, तमोगुण विभाग के शिव जी, और इनके पिता जो ब्रह्म है वो एक ब्रह्मांड में यूं समझो मुख्यमंत्री का रोल कर रहा है, भूमिका कर रहा है, और इन तीनों को मंत्री जानो। अब ये इन तीन लोक के अंदर एक विभाग के स्वामी हैं, ये सब ब्रह्मांडों के ऊपर व्यापक नहीं है, ये केवल इतने में ही ये समाये हुए हैं, इनकी इतनी ही रेंज है।
ये कुल के मालिक नहीं है, ये सर्वव्यापक नहीं है, सब जगह इनकी सत्ता नहीं है। तो इनके पिताजी के पास 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है। ये ब्रह्म 21 ब्रह्मांड में मालिक है, स्वामी है, प्रभु है, लेकिन ये कुल का स्वामी नहीं है, सबका स्वामी नहीं। ऐसे ऐसे असंख्य ब्रह्मांड हैं। तो जो परब्रह्म है, अक्षर पुरुष जिसे कहते हैं, गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 और 17 में तीन प्रभु बताए हैं, तीन पुरुष। एक सरपुरुष, सरपुरुष ब्रह्म को कहते हैं जो 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। एक अक्षर पुरुष, अक्षर पुरुष सात संख, नील पदम संख, सात संख ब्रह्मांड का स्वामी है, वो कुल का स्वामी नहीं है। और ये दोनों ही नाशवान हैं, इनके लोकों में, इनके ब्रह्मांडों में, इनके देश में जितने भी प्राणी हैं इनके अंतर्गत, वो भी नाशवान हैं और ये दोनों भगवान भी नाशवान हैं। कौन? सर्वपुरुष और अक्षर पुरुष। इनको सर्वब्रह्म भी कहते हैं, अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं। 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में कहा कि उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदारते, ये लोक तर्रम आविश्य विभर्ति अवैश्वर है। उत्तम पुरुष वो श्रेष्ठ परमात्मा तो कोई और है, ऊपर जो 16वें में कहे हुए उनसे कोई अन्य है, उनसे भी भिन्न है, और उसको परमात्मा कहते हैं। और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। वो अवैश्वर है, वो अववास्तव में अविनाशी परमात्मा है। तो पुण्यात्मा, जो ये परम अक्षर ब्रह्म है, गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 3 में परम अक्षर ब्रह्म जिसके विषय में कहा, उसको वो 15वें अध्याय के 17वें श्लोक में उसी की जानकारी है कि वो उत्तम पुरुष है तो अन्य, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वो पुरुषोत्तम है, उत्तम पुरुष है, श्रेष्ठ प्रभु है, उसकी साधना भी उत्तम है, उसी से लाभ मोक्ष होता है। तो उत्तम पुरुष वो जो परमेश्वर है, उसको परमेश्वर भी कहते हैं, उसको सतपुरुष भी कहते हैं। सतपुरुष माने अविनाशी परमात्मा, पुरुष माने प्रभु, मालिक, राम कहो, अल्लाह कहो, खुदा कहो, गॉड कहो, साहेब कहो। वो असंख्य ब्रह्मांड का मालिक है, स्वामी है, वो सबका कंट्रोलर है, वो है वास्तव में वासुदेव। क्योंकि उस परमेश्वर सतपुरुष की, सतपुरुष तो उपाधि का नाम है, जैसे प्रधानमंत्री जी अपने देश के प्रधानमंत्री का जो अन्य एक अन्य नाम होता है जो शरीर का नाम है वो भिन्न होता है, और प्रधानमंत्री उनके पद का नाम होता है। ऐसे ही सतपुरुष तो पद है और कबीर उसका नाम है। परमेश्वर के शरीर का नाम कबीर देव है। हम जैसे वेदों में उसको कबीर देव कहा, हम उसको कबीर देव, कबीर साहब, देव कहो चाहे साहब कहो, और कुरान शरीफ में उसे अल्लाहु अकबर कहा है, अल्लाह कबीर, अकबर कहो चाहे अकबरी, ये ऐसे भाषा में लिखने का अंतर हो जाता है, अरबी, उर्दू और फारसी, इन तीनों भाषाओं का समावेश है पवित्र कुरान शरीफ में, अधिकतर उसमें अरबी भाषा है। अरबी भाषा में कबीर होता है, फारसी भाषा में अकबरू कहते हैं, अकबरी है। तो अल्लाह माने भगवान, गॉड साहब, देव, देव को चाहे अल्लाह को, अल्लाह कबीर, अल्लाह कबीर, कबीर अल्लाह, कबीर देव और कबीर साहब, ये नाम है शरीर के परमात्मा के। और सतपुरुष, अमर पुरुष, परम अक्षर ब्रह्म, परम अक्षर पुरुष, ये उनकी उपाधि है। तो यहाँ बताया है कि बहुनाम जन्मानाम अंते, गीता जी अध्याय नंबर 7 के श्लोक नंबर 19 में, बहुनाम जन्मानाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्ते, गीता ज्ञानदाता कहता बहुत बहुत जन्म के किसी अंत के जन्म में ये ज्ञानी आत्मा मेरी भक्ति करते ना, ये वैसे ही अन्य जन्मों में तो ये पता नहीं के साधना उल्ट साधना करते रहे। और वासुदेव सर्वमिति सह महात्मा सुदुर्लभ है,
ये बताने वाला कि नहीं, वो वासुदेव जो परमात्मा है, वो परम अक्षर ब्रह्म है, वही पूजा के योग्य है, वही पूर्ण मोक्षदायक है और वही हम सब का कुल का मालिक है, वही सारे ब्रह्मांडों का रचनहार है, वही पूजा के योग्य है, अन्य किसी की पूजा से जीव मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता। ये बताने वाला सह महात्मा सुदुर्लभ है, वो संतता बड़ी मुश्किल से मिलेगा। पुण्यात्मा परमेश्वर कबीर जी सन 1727 में गांव छुड़ानी जिला झज्जर हरियाणा प्रांत में एक 10 वर्षीय बालक गरीब दास जी को आकर सतलोक से आकर सहशरीर आकर के मिले थे और उनकी आत्मा को उन शरीर को ना छोड़ गए, उनकी आत्मा को ऊपर के ब्रह्मांडों से परिचित कराया। श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी आदि के लोक और वहां हो रही प्रक्रिया से परिचित कराया। सभी नरक स्वर्ग दिखाए, धर्मराज का लोक दिखाया, वहाँ के किस प्रकार अकाउंट होता है प्राणियों का, वहाँ क्या बुरा हाल होता है। फिर काल दिखाया जहाँ ये काल रहता है, 1,00,000 जीवों को प्रतिदिन खाता है। फिर सत्संग ब्रह्मांड को पार करके परब्रह्म के वो सतलोक में गए परमात्मा कबीर जी उस गरीब दास जी की आत्मा को लेकर। तो गरीब दास साहेब जी ने जब देखा कि पूर्ण परमात्मा कबीर जी ही अन्य रूप बना करके वहां वासुदेव रूप में विराजमान है, सब ब्रह्मांडों के मालिक के रूप में विराजमान है, और गरीब दास जी के देखते ही देखते जो नीचे से शरीर गया था एक महात्मा के रूप में कबीर जी, जिंदा संत के रूप में कबीर जी आए हुए थे, उसी रूप में ऊपर गए थे, तो देखते ही देखते वो असंग ब्रह्मांड का मालिक वाला रूप जो तेजो में शरीर है, एक रोम कोप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा मिला दे, ऐसे रूप में सतलोक में परमात्मा कबीर जी विराजमान है। और ये अनाड़ी संत कहते हैं परमात्मा निराकार है, वहां तो प्रकाश ही प्रकाश है सतलोक में। जब सतलोक में परमात्मा है ही नहीं, हम टिंडे लेंगे वहां जाकर, हम क्या करेंगे बता, इसे अनाथ यहाँ पर, इसे अनाथ वहाँ पर, हम परमात्मा के दर्शनार्थ जा रहे हैं, अपने मालिक के दर्शन किया करेंगे, उनसे प्यार से बतलाया कराएंगे, वहाँ रहा करेंगे, इसलिए तो जा रहे हैं। तो वहाँ गरीबदास साहिब जी ने देखा, ओए होए, असंग ब्रह्मांडों के कुल मालिक के रूप में परमात्मा एक बहुत बड़े सफेद गुम्बज के अंदर एक सुंदर सिंहासन पर विराजमान है, और कबीर परमात्मा अपना ही दूसरा रूप बना करके छुड़ानी में जब गरीबदास जी से मिले थे, एक जिंदा महात्मा का रूप बना कर आए थे। जिंदा महात्मा मुसलमानों में होते हैं, एक काला कपड़ा पहनते हैं जिसको चुग्गा कहते हैं, चुग्गा एक ही होता है वो, और एक कच्छा पहनते गोड्डों तक का, और एक काला टॉप पहनते, दाढ़ी बड़ी होती है, बाल भी थोड़े बड़े ही होते हैं, घने बड़े नहीं। इस रूप में नीचे आए थे, इस रूप में ऊपर सतलोक में पहुंच गए, गरीबदास जी साथ है उनकी आत्मा। तो वहां परमात्मा ही दूसरे रूप में सतलोक के सिंहासन पर विराजमान देखे, तो गरीबदास जी ने सोचा कि ये है परमात्मा पूर्ण जो तख्त पर बैठा है। इतने में कबीर जी चवर करने लग गए, जो नीचे से गया था वो रूप अपने ही दूसरे रूप पर चवर कर रहे हैं तख्त पर बैठे पर। गरीबदास जी ने सोचा ये कबीर तो यहाँ का कोई नौकर होगा इस भगवान का। इतने में जो तख्त पर बैठा था प्रभु, वो खड़ा हुआ तेजो में शरीर, जिसके एक रोम कूप में करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, तो भी परमात्मा के एक रोम कूप की रोशनी अधिक है। ऐसा तेजों में शरीर परमात्मा खड़ा हुआ और नीचे से गए हुए जिंदा के रूप में वो परमात्मा कबीर जी विराजमान हुए सिंहासन पर, और वो तेजों में शरीर चवर करने लग गया उस नीचे से गए हुए परमात्मा के ऊपर। 10 वर्षीय बालक गरीबदास जी ये कौतुक देख रहे हैं, लीला देख रहे हैं, और सोच रहे हैं कि इस महात्मा के ऊपर भगवान क्यों इतनी चौर कर रहा है, इसकी सेवा कर रहा है, ये क्या माजरा है,
इतने में वो तेजो में शरीर कबीर जी में समा गया, उस जिंदा महात्मा के अंदर समा गया। अकेले कबीर परमात्मा जी जो बनारस में काशी में 120 वर्ष दुलाहे की भूमिका करके गए थे, उसी रूप में उस वासुदेव वाले सिंहासन पर विराजमान हो गए। तब परमात्मा ने कहा कि जा गरीब दास, वापस जा, तेरे शरीर को अंत करने वाले हैं। उधर से बच्चे को मृत जानकर शमशान घाट पर ले जाके चिता पर रख दिया था, अग्नि जलाने ही वाले थे। उधर से गरीबदास जी कहते हैं, परमात्मा मुझे मत वापस भेजो, वहां तो बहुत गंदा लोक है, सब लोग भ्रमित हैं, हाय हाकार मची हुई है, बेईमान लोग हो गए, और वहां ना भेजो मुझे, वहां तो जन्म मृत्यु होगी। परमात्मा ने कहा, बेटा तू भक्ति करना, मैं तेरे साथ रहूंगा, चिंता ना कर, और जाके मेरी गवाही दे, ढंडोरा पीट दे दुनिया में, आने वाले समय में तेरे द्वारा दी गई गवाही मेरे बच्चों को पहचान करावेगी। तो गरीबदास जी को वापस भेज दिया। अंतिम संस्कार करने ही वाले थे, तब एकदम बच्चे के शरीर में आत्मा आ गई और ऐसे हिला सारा शरीर, बंधन टूट गए जो बांध रखे थे शव के ऊपर, और उठ के फिर वो चल पड़े। 10 वर्ष के बालक, और फिर वो वाणी जो परमात्मा कबीर जी ने अपना ज्ञान जैसे एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में फिल्म की फिल्म फीड हो जाती है, इसी प्रकार परमात्मा ने अपना ज्ञान गरीबदास जी के अंतःकरण में उस कंप्यूटर में फीड कर दिया। फिर उस ज्ञान से परिचित होकर के गरीबदास जी महाराज ने ढंडोरा पीटा, जगह जगह कहा, हम सुल्तानी नानक तारे दादू को उपदेश दिया, जात जुलाहा भेद न पाया, यू का सीमा है कबीर होया। होय होय। जब गरीबदास महाराज जी ने ये अमृतवाणी बोलनी शुरू की, लोगों ने उनको बावड़ा कहा, मेंटल बताया। एक दादू पंथी संत गोपाल दास जी आए, उन्होंने उन गरीबदास जी द्वारा बोली गई वाणी के महत्व को समझा, क्योंकि वह संतों की वाणी को समझता था। तब उसने गांव वाले से कहा, अरे गांव वाले हो तुम, हो मेंटल, ये बालक मेंटल को ना, ये तो अनमोल ज्ञान बोल रहा है। गोपाल दास जी एक बनिए के घर, उसका जन्म था, बनिए के घर उत्पन्न था, सेठ के घर, कुछ लेखन कार्य जाना था हिंदी का, तो उसने गरीबदास जी से प्रार्थना की कि हे प्रभु ये वाणी लिखा दो, कलयुग में बहुत काम आवेगी, जीवों का उद्धार करावेगी। तब गरीबदास जी बोला करते थे, गोपाल दास दादू पंथी वो लाला जी लिखा करते थे, और वो लिपिबद्ध की गई अमृतवाणी आंखों देखा हाल सचखंड सतलोक का, आज ग्रंथ साहिब के रूप में ये उनका पाठ हो रहा है जो अभी भोग लगा है। ये इतनी वाणी है कि 48 घंटे तक लगातार कंटिन्यूस पढ़ते हैं जब जाके संपन्न होती है, इतना अनमोल खजाना इसमें भरा हुआ है। कबीर सागर में धर्मदास जी को कबीर जी ने बताया था कि धर्मदास इस मूल ज्ञान को तो छुपा के रखना, अभी किसी को बताना नहीं, यदि मूल ज्ञान ये अभी किसी के हाथ लग गया तो बीच वाली पीढ़ी में हम अपने हंसों को भिन्नता नहीं बता पाएंगे, और काल के दूत ये नकली नाम भी देते रहेंगे, ये ज्ञान भी बताते रहेंगे, तो हमारे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे। इसलिए कबीर सागर में लिखा है कि 12 पंथ गरीबदास जी का पंथ होगा, और ये 12 के 12 पंथ महिमा तो कबीर जी की ही गाया करेंगे, लेकिन इनके पास यथार्थ मंत्र नहीं होगा, यथार्थ ज्ञान नहीं होगा, जिस कारण से इन 12 पंथों के प्राणी पार कभी नहीं हो सकेंगे। फिर क्या बताया कि 12 पंथ में गरीबदास जी वाले पंथ में हम आगे चलकर हम ही आएंगे। कबीर परमेश्वर ने अपनी अमर वाणी में, कबीर वाणी में लिखा है और ज्ञान बोध में, हम ही चलकर आवेंगे 12 पंथ में।
गरीबदास वाले पंथ में, और सभी पंथों की पोल खोल देंगे, वो खत्म हो जाएंगे, केवल एक पंथ चलाएंगे। फिर लिखा है कि बर में पंथ हो है उजियारा, बर मा हंस जो होगा गरीबदास होगा, और गरीबदास जी के द्वारा कहते हैं प्रगट हुआ मम वाणी, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट की जाएगी। और लेकिन गरीबदास जी के अनुयायी भी यथार्थ ज्ञान से परिचित नहीं होंगे, सर्व बारह पंथों के वो कबीर पंथी भी तत्व ज्ञान से और यथार्थ भक्ति विधि मंत्र नाम से परिचित नहीं होंगे, वो सारे काल के मुंह में जाएंगे। तो कहते बारहवां पंथ कुछ हुआ उजियारा, गरीबदास जी के द्वारा कहते मेरी महिमा का कुछ प्रचार होगा, और तेरहवां वंश मिटे सकल अंधियारा। अब यहां प्रसंग ऐसा आ गया, आपको कबीर सागर दिखाते हैं, क्योंकि कबीर पंथी बहुत अच्छी आत्माएं हैं, ये नकली संतों महंतों के फंसी पड़ी हैं, और वही ना उनको कबीर सागर का ज्ञान, क्योंकि भोली आत्मा श्रद्धालु अविश्वास नहीं किया करते संतों पर, और ये संत नकली सारे न ज्ञान को नहीं, ये पारखी हैं सारे कति नकली डुप्लीकेट कबीर पंथी। परमात्मा को बताऊं जीव ही ब्रह्म है, फिर जीव ब्रह्म है तो कबीर साहब के पीछे क्यों लाग रहे हो, तुम आप भगवान हो, फिर कबीर पंथी कैसे हुए तुम? तो कहने का भाव यह है उनका ना सिर ना पैर, और कबीर जी तो परमात्मा है, उनके और भी तो बहुत ज्ञान है। बीजक में बहुत बार लिखा है कि परमात्मा की भक्ति करो, परमात्मा का नाम लो। ये देखिएगा पवित्र कबीर सागर संपूर्ण 11 भाग, और ये है खेमरा श्री कृष्ण दास प्रकाशन बंबई से प्रकाशित है। इसके अनुवादक कौन है, संशोधक करता ये है, ये कहाँ से प्रकाशित है, मुद्रक एवं प्रकाशक हैं खेमरा श्री कृष्ण दास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण दास मार्ग मुंबई। ये परमात्मा का, ये है परमात्मा का चित्र जो जिंदा महात्मा के रूप में वो आए थे श्री कबीर साहेब। और इसमें इसका किसने अनुवाद किया है, श्री युगलानंद बिहारी, उन्होंने इसका संशोधन किया है। अब इसमें आपको दिखाते हैं, ये देखिएगा कबीर वाणी 136 पृष्ठ पे बोध सागर में, ये है कबीर वाणी और ये है इधर बोध सागर, प्रश्न नंबर 136-137 पर यहां देखिएगा, द्वादश पंथ चलो सो भेद, द्वादश पंथ काल फुरमाना। अब परमात्मा कबीर जी खुद कह रहे हैं धर्मदास जी को कि इन 12 पंथों में काल का फुरमान यानी उसी का आदेश ज्ञान वहीं तक सीमित होगा, और भूले जीव न जाए ठिकाना उसके अंदर भ्रमित, वो 12 पंथों के द्वारा भ्रमित लोग जीव आत्मा निज ठिकाने सतलोक नहीं जा सकती। ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि साखा। अब ये प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ग्रंथ चुरावे, और दूसर सुरत गोपाल होई, अक्सर जो जोग दृढ़ावे सोई, तीसरा मूल निरंजन वाणी। ये पंथों के नाम है, ये 12 पंथ कबीर पंथियों के। अब यहां देखिएगा, अब यहां से देखेंगे हम, ये है कबीर चरित्र बोध, बोध सागर, कबीर चरित्र बोध 1871, ये 1870 है, और बोध सागर में यहां देखिएगा, ये कबीर साहब के पंथों का वृत्तांत, कबीर साहब के
पंथों का वृत्तांत कौन कौन से हैं? नंबर एक नारायण दास जी का पंथ, नारायण दास जी का पंथ, और दूसरा यज्ञोदास जी का पंथ, और तीसरा सूरत गोपाल पंथ, और चौथा मूल निरंजन का पंथ, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास जी का पंथ, सातवां सतनामी पंथ, और आठवां कमाल का पंथ। कमाल भी अलग हो गया था परमात्मा से, कमालीय पंथ, कमाल का पंथ, और नौवां राम कबीर पंथ, दसवां प्रेम धाम की वाणी पंथ, और ग्यारहवां जीवा पंथ, और बारहवां गरीबदास पंथ। ओए होए आप सुन रहे थे जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222 880541।